भाई मूंग, और जब भी आप लोगों को किसी को खाना हो तो जरूर आइए हमारे खेत में, मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा। स्टाइल है खाने की बहुत अच्छी मेरे पास। जी गुड मॉर्निंग, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं जल्दी आज उठ चुका हूँ, अभी 5 बज चुके हैं। मुझे जाना है कहाँ पर वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यो, आज मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। वहाँ पर क्या क्या लगे हुए हैं वो आपकी उसको जानकारी दूंगा मैं। मैं खेत में पहुँच चुका हूँ। हमारे खेत में एक महुआ का पेड़ है, बहुत बड़ा, कहीं समय हो गया है। और मैं खेत की ओर आऊँ, आपको मैं ले जा रहा हूँ। ये लगी हुई तोर मक्का दिख रही होगी आपको, कहीं कहीं मक्का भी लगी हुई है हमारे यहाँ पे। और मक्का में कोई सा प्रकोप लग गया है, कीड़ा, ये तो इससे बहुत ही अधिक नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए कोई किसी भी साथी को दवाई मालूम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे खेत में तालाब खुदा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से सिंचाई के लिए, व्यवस्था के लिए पानी इकट्ठा करा है। इस के लिए हमने अभी तो ये तालाब इतना भरा हुआ है, पानी जैसा गिरता है वैसा वैसा तालाब भरता रहता है। तो साथियों, इससे हम सिंचाई करेंगे और मछली पालेंगे। पड़ा हूँ तो यहाँ पर लगे हुए हमारे यहाँ मूंग, मूंग लगे हुए हैं। और मूंग ये अच्छे लगे हुए मूंग, और जब भी आप लोगों को किसी को खाना हो तो ज़रूर आइए हमारे खेत में, मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा। स्टाइल है खाने की बहुत अच्छी मेरे पास। साथियों, मैं पहुँच चुका हूँ दूसरे खेत में। ये हमारा दूसरा खेत है। ये गर्मी का कपास लगा हुआ है। गर्मी का कपास इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, और कहीं कहीं पर एक दो डेंडू भी लग चुके हैं। डेंडू बोलते हैं, कोई झेंडवे बोलते हैं, पता नहीं आप कौन सी भाषा में क्या बोलते हैं, पर हमारे इधर अधिकतर डेंडू ही बोलते हैं। ये लग चुके हैं, ये आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, ये वाले। ये इसमें से अभी लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लग चुके हैं, और अभी और आगे आपको दिखाऊंगा। हम लोग हमारे इधर फसल चक्रण, या पता नहीं आप और क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर अधिकतर कपास में हम लोग एक खेत में लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा पिछले उसमें कि कपास में हम लोगों ने लगा दिए थे मूंग, और इस खेत में हमने लगाए हैं कपास के साथ में मक्का। मक्का की खेती और कपास की खेती एक साथ कर लेते हैं हम लोग। कपास अभी फ़िलहाल में बहुत ही अच्छा जा रहा है, परंतु बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर आ गए हैं मच्छर, और मवा चिपक गया है। तो इसलिए भी कपास को अभी थोड़ा चूस रहा है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो इसको मवा को लिए हटाने के लिए आपके पास कहीं उपयुक्त जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आप लोग देख सकते हो पास में से, ये ऐसा हो रखा है। भुट्टे की भी आने की तैयारी हो चुकी है। ये भुट्टे आना शुरू हो गए हैं, पर अभी खाने के लायक नहीं हुए हैं ये भुट्टे। साथियों, हमारे घर पे अरबी लगी हुई है। ये अरबी की सब्ज़ी खाना हो तो ज़रूर आइए हमारे यहाँ। मम्मी जी का आशीर्वाद है, माता जी का मेरा, तो हम माता जी ने लगा दिए हैं ये अरबी। बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है अरबी यहाँ पर। ये अभी हम लोग ये अरबी के पत्ते की आज भजे बनाएंगे, या भजे नहीं बनाएंगे तो सब्जी तो खाएंगे इसका बनाकर। मेड़ के सारे हम लोगों ने लगा रखे हैं। ये कटहल, कटहल का पौधा लगाया है ये कटहल, और कड़ी पत्ता लगा हुआ है ये पौधा। और हमारे घर पर हम लोगों ने घर के हिसाब से लगा लेते हैं सभी, तो ये लगाया है अनार, ये अनार भी लगा रखा है हमने। फिर क्या करे है, केले भी 5-7 केले लगवा लिए हैं। तो केले भी, जब केला का सीजन आएगा तो केले भी लग जाएंगे हमारे यहाँ। हमने पिछली बार भी लगाए थे, तो पिछली बार भी केले खाए थे हमारे घर पर। और दूसरे पौधे भी लगे हुए हैं। अभी मम्मी जी ने लगा दिया हमारे घर पर आम, ये आम, और एक आम बहुत बड़ा है, आप लोग पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने आम भी खाते हैं उसका। और एक लगा हुआ हमारे घर पर, दो थे तो एक दूसरे खेत में लगा दिया। ये है बादाम, बादाम इतना बड़ा हो चुका है मेरे बराबर ये। और ये मेड़ के सारे लगा हुआ बड़ा आम, बड़ा आम के साथ में हम लोगों ने और लगा लिए हैं। ये दिख रहे होंगे, ये जाम है, जाम के पौधे भी 7-8 है, और आम के पौधे ये एक वाला बड़ा है और अभी छोटे लगे हुए हैं। एक खेत में हमने पूरा सीताफली लगा रखा है, और यहाँ पर भी मेड़ में लगाए हैं। आपको मैंने एक खेत की जानकारी दी थी, हमने अभी इस साल पे 500 पौधे लगाए हैं सीताफल के, उसका बगीचा लगवाया है। तो आप भी अगर हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ज़रूर पेड़ पौधे ज़रूर अवश्य लगाइए, हमारी मेड़ के किनारे हो या
हमारे खेत में हो और या हमारे जंगलों में अभी पेड़ काटने से रोकिए, नहीं तो अभी पिछले 2 ईयर के दशक में गया है, कोरोना महामारी खतरनाक थी, तो इससे बचने के लिए आप पेड़ जरूर लगाएं, ऑक्सीजन अवश्य।